वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर ने कहा है कि विपक्षी नेताओं पर आए दिन ईडी, आयकर और सीबीआई की छापेमारी कर उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी का राजनीतिक नेतृत्व खत्म करना है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच बैठा दो, फैसला आने पर वह बरी हो जाता है लेकिन तब तक उसका करियर खत्म हो जाता है। इसके लिए अधिकारियों पर बंधन लादने अर्थात उन्हें छूट देने वाला ब्रिटिश कानून रद्द होना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता बाला साहेब अम्बेडकर ने कहा कि छापा मारने के बाद ईडी या जो कोई एजेंसी है उसे सारी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए, उसके बाद जनता तय करेगी कि उसे नेता का साथ देना है या नहीं। अजीत पवार के कारखाने पर आयकर कार्रवाई के बाद देवेंद्र फडणवीस द्वारा आंकड़े जाहिर कर करोड़ों का घोटाला बताने पर एडवोकेट अम्बेडकर ने सवाल पूछा कि आखिर फडणवीस के पास आंकड़े कहाँ से आए, क्या आयकर विभाग ने बताए हैं, क्योंकि एजेंसी ने ऐसे कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। उन्हें आरोप लगाने की बजाय एजेंसी को सबूत देने चाहिए। आता सर मीच वे मोकळा असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांची असणारी यूट्यूब वरती त्यांची एक मुलाखत एक 8-10 दिवसापूर्वी म्हणजे अजित पवारांवरती धाड पडल्यानंतर त्यांच्याच यूट्यूबच्या ह्याच्यावरनं मला असं कळलं की अजित पवारांकडे 1,150 कोटीचे अनअकाउंटेड फॉर मिळाले असं त्यांचं स्टेटमेंट होतं। मी नंतर वर्तमानपत्र त्याच्या अगोदरच्या नंतर चाळत होतो की ईडीने ही बातमी कुठेतरी दिलेली आहे का, तर मला कुठेही ईडीने या धाडीमध्ये एवढं असं सापडले असं कुठंच म्हटलेलं नसताना ही बातमी देवेंद्र फडणवीसकडे कशी गेली, त्याच्यामुळे विचार करणारा हा जो सामान्य माणूस जो आहे त्या सामान्य माणसाला मग असताना जे ज्याच्यावर धार पडलेली असते तो जेव्हा म्हणतो हे राजकीय हेतूने झालेलं आहे त्याला कुठेतरी असं वाटतं नाही झालं आहे असेल। ईडीने जर फिगर दिली असती तर मी समजू शकतो, आता देवेंद्र फडणवीसनी स्वतःहून हा जो फिगर दिलेला आहे त्याचे कागदपत्र लोकांसमोर द्यावेत। उन्होंने कहा कि एजेंसियों पर बंधन लाना चाहिए, 90 दिन में सारी प्रक्रिया कर कोर्ट में प्रकरण चलना चाहिए, जो अधिकारी यह नहीं कर पाता है उसके खिलाफ धोखाधड़ी और लूट मार के तहत प्रकरण चलना चाहिए, अधिकारियों को सामान्य श्रेणी में लाया जाए तब जाकर वे ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वे राजनीतिक पार्टियों के मोहरे न बने। की एकदा धाड टाकली की त्याची सगळी माहिती जनतेपुढे आली पाहिजे, लोकांना डिसाईड करू द्या की या नेत्याबरोबर राहायचं की न राहायचं। ज्या एजन्सी आहेत त्यांनी धाड घातलेली आहे, माझं आता म्हणणं आहे की त्यांच्यावरती बंधन आलं पाहिजे, की कायद्याने टाकलेल्या 90 दिवस असेल किंवा अजून ग्रेसफुली 190 दिवस दिलेले आहेत त्यामध्ये त्यांनी FIR नोंदणी करून चार्जशीट दाखल केली पाहिजे आणि कोर्टापुढे ती असणारी केस चालली पाहिजे। जो कोण अधिकारी हे करणार नाही त्याच्यावरती लूटमारीचा, फसवणुकीचा गुन्हे लावून त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। अधिकाऱ्याला 100% सूट देण्यात आलेली आहे की पूर्णपणे चुकीची आहे। रविवार को एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर की उपस्थिति में रवि भवन में बसपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दिगंबर पलटकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया। इस अवसर पर राहुल वानखेड़े, दिवेक हाड़के, धर्मेश भूसाटे, राजू लोखंडे, रवि शेंडे, राजेश बोरकर, मुरली मेशराम, JB रामटेके, प्रकाश पाणकर आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवार, BCN न्यूज नागपुर।